खरगोन में पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 8 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुरानी डकैत का खुलासा कर आरोपियों से 4,15,000 रुपए नकदी सहित एक देसी कट्टा और 6 चाकू जब्त किए हैं। एडिशनल एसपी ने खुलासा किया है। मंडलेश्वर थाना पुलिस ने 10 नवंबर की रात्रि के समय कसरावद मार्ग पर डकैती की योजना बनाते 8 आरोपियों को पकड़ा था। फरियादी द्वारा पुलिस टीम को 1,51,000 रुपए नकद पुरस्कार देने की घोषणा की। सर क्या है मामला? दिनांक 10/11/2018 को थाना मंडलेश्वर पर ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदेही व्यक्ति किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कसरावद रोड पर बालाजी कॉलोनी उसकी बाउंड्री वॉल के आसपास बैठे हुए हैं। जब थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई तो उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान में लाकर एक टीम रवाना की गई। मौके पर घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया तो तलाशी लेते उनसे 6 चाकू, एक पिस्टल मतलब एक देसी कट्टा और सरिये और कुछ अन्य औजार प्राप्त हुए। जब उनसे और विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक घटना और यहाँ पर पूर्व में घटित की गई है। तो जब उससे पूछा गया तो एक रोहित कुमरावत नामक व्यक्ति के जो कुछ कर्मचारी थे उनके द्वारा बाजार से कुछ कैश लेकर आ रहे थे। जब वो 26/9/2018 को तो उनके द्वारा इन सभी आरोपियों ने मिलकर उनके साथ लूट की घटना की जिसमें लगभग 5 लाख रुपए गए थे। आरोपियों से जब पूछताछ की गई उनके घरों की तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 4,15,000 रुपए नकद बरामद भी हो गए और उनके द्वारा उस घटना को स्वीकार करना भी बताया गया। इनका प्लान ये था कि जिस प्रकार से पहले घटना हुई थी और उसकी कोई रिपोर्ट फरियादी द्वारा नहीं की गई थी तो वापस उसी फरियादी के साथ ये घटना करने के प्रयास में थे। इसमें सबसे मुख्य बात है कि जो इसका मास्टरमाइंड है वो पूर्व में उनके यहाँ काम कर चुका है। ये फरियादी उनके यहाँ घटना हुई है तो उसने संपूर्ण अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ और अपने अन्य साथियों के साथ भी पूरा जाल बिछाया और इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को ट्रेस करने में फरियादी द्वारा मंडलेश्वर पुलिस को 1,51,000 रुपये नगद इनाम दिए जाने की। पहले भी कोई अपराध किए गए? इनके जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं इसमें 5 आरोपी इंदौर के रहने वाले हैं, 3 मंडलेश्वर के रहने वाले हैं। इनके आपराधिक रिकॉर्ड के लिए संबंधित थानों को सूचना दे दी गई है और रेंज के सभी थानों को भी बताया गया कि उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई घटना इस प्रकार की हुई है तो पूछताछ के लिए वो आसान। सर जो काम ये सभी बालिग हैं और लगभग 19 से लेकर 35 साल की लगभग। सर जो काम कर रहा था उसका नाम क्या था? रविंद्र दो रविंद्र इसमें ना तो होने वाले साहब।